सो हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस में। मैं हूं रवि बजाज और आज हम एक पेपर डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज में आप कल और परसों भी देखते आए, पिछले हफ्ते से हम बहुत सारी शिफ्ट 2022 की डिस्कस करते आ रहे हैं और आज बारी है इस पेपर की। ये राज, दिस इज 4th of August 2022। ये जो पेपर हुआ था शिफ्ट फर्स्ट का 9 से 10 बजे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस हैं, हम उसे डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो मेरे साथ कमेंट करके इसका आंसर भी बता सकते हैं, कोई और डाउट है अब वो भी पूछ सकते हैं। तो देखिए जी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। शुरुआत होती है हमारी आज एंटोनिम्स के साथ। हम लेते हैं एक बहुत बढ़िया सा पेन। कहाँ है पेन? ये रहा। तो आज हम शुरू करेंगे, ये देखिए, यहां हमसे पूछा जा रहा है इंटेंशनल का सिनोनिम क्या है। अगर हमें व्हाइट पेन लेना हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इंटेंशनल का एंटोनिम क्या है? इवेंचुअल तो अंततः होता है, केयरलेस लापरवाह होता है, ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर आपका या ए है या बी है। कॉन्सिक्वेंशियल भी नहीं है बिकॉज द करेक्ट आंसर इज एक्सीडेंटल, द एंटोनिम ऑफ इंटेंशनल। इंटेंशनल होता है जानबूझकर किया गया, एक्सीडेंटल होता है अचानक जो हो जाए, is the opposite word. Guys, 25 questions है, एक कर लिया है, अब आते हैं हम question number 2 पर। जागरूक रहिए, बिल्कुल जागरूक रहिए। देखिए, they noted down the details very carefully. हमें इसका passive voice बताना है। आपको एक तरीका बता दूं, मैं जानता हूं आप पक्का पढ़ के आए होंगे। Noted down ये past indefinite है, और जब past indefinite का passive voice बनाना होता है तो सही answer होता है was, were और third form लगानी होती है। तो हम इन चारों को पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम पता लगाएंगे वाज वर और थर्ड फॉर्म कहां लगी हुई है। ये तो गलत है, या तो हेड बिन लगा हुआ है, या वर तो लगा हुआ है बट बींग लगा हुआ है, वो तो कॉन्टिन्यूस में आता है। आपका आंसर या ए में है या बी में है। यहां भी देखिए, वाज बींग लगा हुआ है इज द करेक्ट आंसर। अगर आप पूरा पूरा पढ़ने बैठेंगे ना, एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब को देखिए, तो द डिटेल्स वर नोटेड डाउन बाय देम वेरी केयरफुली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। हमने एंटोनिम भी किया, पैसिव वॉइस भी किया, अब एक और एंटोनिम हमारे सामने। तो यहां पर कह रहे डेंटी का हमें बताना है एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड। और बेफल्ड तो कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज तो कंफ्यूज है, लेजी थका हुआ है बेचारा, टायर्ड है, क्लम्सी इज द करेक्ट आंसर। डेंटी का ऑपोजिट होता है क्लम्सी। दिस इज टेस्टफुल, दिस इज टेस्टलेस इज द डिफरेंस। ओके, सो गाइस, यू हैव डन 3 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, और अब बारी आ रही है क्वेश्चन नंबर 4 की। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यार मुझे तो सारे सही लग रहे हैं, आपको भी लग रहे हैं क्या? चेक करते हैं। बैटालियन सही स्पेलिंग है क्या? सही है यार। बैटरी, फोन की बैटरी चेक कर लो, यही स्पेलिंग है। कन्फेशन, अरे यार ये भी सही है। गड़बड़ तो यहां है, क्या है गड़बड़? ये होता है करेक्ट आंसर, स्वीकृति, कंसेंसस। इसके बाद यू आता है, यहां ई लगा हुआ था, इज द एरर पार्ट। ओके, तो आशा करते हैं आप एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को और सीख भी रहे हैं। कोई डाउट है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो लोग इस समय हमारी वीडियो क्लास, वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, वो भी प्रश्न पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आप तक पहुंचने की और आपके आंसर करने की। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। गुरु फेस्ड डैश ऑफ कोर्ट, ये तो बहुत इजी है। फिलअप चाहिए, 4 दिए हुए हैं और हमसे पूछा जा रहा है स्पेलिंग किसकी सही है, क्योंकि करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? क्रिमिनल ये नहीं है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है जी, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा क्रिमिनल कंटेंप्ट होता है, तो क्रिमिनल की स्पेलिंग हमसे पूछ रहा था। बताइए यार, एसएससी में ऐसे जॉब दे देंगे, इतनी इजी स्पेलिंग बताओ और जॉब ले जाओ। जरूर दाल में कुछ काला है दया, कुछ गड़बड़ है दया, है ना। इट इज ऑलवेज गुड टू ईट डैश ऑफ डिफरेंट कलर्स। आप एक चीज बताइए, कितना बच्चों वाला क्वेश्चन है, किस चीज के कलर होते हैं? मीट के कलर होते हैं क्या? मीट के कलर होते हैं, राइस के कलर होते हैं, एक दो कलर तो आने लग गए हैं, तो वीट के भी कलर होते हैं। अरे नहीं भैया, वेजिटेबल है। अब देखो मैं तो बोलूंगा नर्सरी के बच्चे से क्वेश्चन पूछना चाहिए, यहां 2022 के पेपर में पूछा गया, तो आप रेडी हो जाइए मुश्किल क्वेश्चंस के लिए। इस बार
टफ कंपटीशन होने वाला है, जॉब चाहिए, मींस चाहिए, एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 7 गाइस। सिनोनिम बताना है इमेंसिपेट का। क्या आप जानते हैं इमेंसिपेट का मीनिंग क्या होता है? जिन बच्चों ने हमसे वोकैब पढ़ी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। इमेंसिपेट का मीनिंग होता है आजाद करना, सेट फ्री। और फेटर तो चेने या जंजीरें हैं, एंड चेन भी जंजीरों में जकड़ना, कन्फाइन का मीनिंग है कैद करना। लिबरेट इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ का सही आंसर है बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बजाज, इट्स इमेंसिपेट, लिबरेट, सेट फ्री। ओके, नाउ वी जंपिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सिंपल, आज सब इजी क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, आज का दिन बढ़िया है ना। आर ओल प्रिंसिपल वॉज स्टैंडिंग एंड आई डैश हिम अ चेयर। आपके प्रिंसिपल साहब खड़े हैं, आप उन्हें चेयर क्या करेंगे? गिव, देंगे, टुक, लेंगे, ऑफर करेंगे, ऑर्डर भी करेंगे क्या? प्रिंसिपल साहब को ऑर्डर करेंगे, ऑफर करेंगे, जी ऑफर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है बी। तो अभी तक पेपर इजी है, देखें कुछ टफ है आज हमारे लिए। लो जी, डिले इन डूइंग समथिंग टू अ लेटर टाइम। कुछ देर के लिए चीजों को डिले करना क्या होता है? इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, स्केड्यूल तो नहीं होता, दिस इज स्केड्यूल, स्पैन ऑफ टाइम नहीं होता। प्रोक्रास्टिनेशन इज द करेक्ट आंसर। एफेमरल का मीनिंग होता है क्षणिक, मोमेंट्री, कुछ समय के लिए। तो करेक्ट आंसर है प्रोक्रास्टिनेशन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 10 नंबर। अ बोन ऑफ कंटेंशन एक idiom हमसे पूछा गया है जिसका मीनिंग होता है झगड़े की जड़। तो क्या आप जानते हैं झगड़े की जड़ के लिए पुश है, नो सेटलमेंट है, नो अग्रीमेंट है, नो डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर। सो अ बोन ऑफ कंटेंशन, अ डिस्प्यूट इज द करेक्ट आंसर। हमने किए हैं 10 क्वेश्चंस गाइस, और अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। स्टैंड इन वंस लाइट, स्टैंड इन वंस ऑन लाइट टू डिस्क्लोज विद ऑल पावर इन फेवर विद। सोच के बताइए 11th का सही आंसर क्या है। जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोच के बताइए सही आंसर क्या है। यहां दो में कंफ्यूजन होगा, बी में या डी में। क्या बोलते हैं बच्चों, बी या डी? बी इज द करेक्ट आंसर। टू एक्ट अगेंस्ट वंस ऑन इंटरेस्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत कम ही idiom यूज होता है, बट बी वाला एकदम सही ऑप्शन है। ओके, तो अब बचे 14 और क्वेश्चन। देखिए, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को क्या कहते हैं? यहां आपकी वो कैब काम आएगी, यहां वो कैब काम आएगी, जिन्होंने मेहनत की है। बहुत से लोग पॉपुलेशन कह देते हैं, जो कि गलत है। कॉन्ग्रीगेशन तो धार्मिक सभा होती है, गलत है। पोजे भी गलत है। होडे इज द करेक्ट आंसर। होड का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड ऑफ पीपल। एच वर्ड में मैंने बच्चों को कराया था आज ही, आज सुबह ही कराया है, ठीक है। और एक क्लास को तो कल भी कराना है ये वर्ड, बट लकीली कोइंसिडेंटली हमारे सामने आज ही आ गया। अब देखिए कितना स्टूपिड क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन में भी स्टूपिड पूछ लिया गया है। स्टूपिड का हमसे पूछा जा रहा है सिनोनिम, तो क्या होगा जी? स्टूपिड का सिनोनिम क्या होगा? कनिंग तो धूर्त होता है, क्लंसी भी नहीं होगा, मूडी भी नहीं होगा, डल होगा। वो बड़ा डल स्टूडेंट है, वो बड़ा स्टूपिड स्टूडेंट है, नालायक, डल। ओके, चलिए जी, इजी है होपफुली। 30 नंबर पे आ गए हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको दिखाई दे रहा है। बिलीविंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, बिकमिंग की भी सही है, बिलोइंग की भी सही है। आंसर है आपका ए, बिगिनिंग में सिंगल एन आना चाहिए इज द करेक्ट आंसर। आपका सही आंसर है ए ऑप्शन। ओके, लो जी, लो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अभी हम 15 नंबर पे आ गए हैं। अब देखिए यहां पर ना एक पैसिव वॉइस पूछा गया, एक्टिव का पैसिव। द इंफॉर्मेशन सरप्राइज्ड अस, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव नहीं आएगा और आर नहीं आएगा। वी वर सरप्राइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन, वी वर फीलिंग सरप्राइज्ड एट द इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, बी इज करेक्ट। वी सरप्राइज्ड बाय द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर। फाइन, इज द करेक्ट आंसर। तो जब भी आप इस तरह के पेपर देते हैं,
डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव वॉइस को छोड़ना मना है, इसके बिना नहीं जाना। बोनस पॉइंट्स हैं भाई, इसे कैसे मानेंगे हम इसके बिना। और अब आते हैं 16 नंबर पर। लो जी 16, 17, 18, 19 एंड 20 पांच क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। कौन से? हमसे पूछा जा रहा है क्लोज टेस्ट। आइए इसे पढ़ते हैं। Horus the falcon headed god is a dash ancient Egyptian। भाई यहां पर तो हम कह रहे हैं रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड के लिए कौन सा वर्ड यहां पर इस्तेमाल हो रहा है? रिवियर्ड इज द करेक्ट आंसर। यहां पर आंसर आ जाएगा डी। इजिप्टियन गॉड। ही हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज सिंबल्स ऑफ इजिप्ट, सीन ऑन इजिप्टियन एयरप्लेन्स, ऑन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, डैश द लैंड। जानते हैं जी ऑप्शन में और क्या है हमारे पास 17 नंबर में। Throughout, alongside, outside या away from। देखिए बच्चों, देखिए और सोच के बताइए। Throughout the land, land की बात हो रही है तो throughout होगा। A is the right answer। Okay? Now, 18 में देखते हैं क्या पूछा गया है हमसे। He is the son of Osiris and Isis, the divine child of the holy family triad। He is one of many gods dashed with the falcon, endowed with, associated with, accommodated with या possessed with। जब आप इस पे जाएंगे तो associated with is the correct answer। वो उनसे associated है। His name means he who is above and he who is distant। The falcon had been worshipped from earliest times as a dash deity whose body represents the heavens and whose eyes represent the sun and the moon। wow badhiya god hai main ke to 19 pe dekh rahe hain hum kya hoga sahi answer। cosmic hoga, modern hoga, malevolent hoga ya primary hoga। to correct answer hai cosmic, kyunki aap yahan par baat kar rahe hain cosmic deity। Horus is dashed as a falcon wearing a crown with a cobra of the double crown of Egypt, the hooded cobra known as Uranus, which the gods and pharaohs wore on their foreheads, symbolizes light and royalty, it is there to protect the person from harm। और हमारे लिए last option में क्या है जी 20 में? Transcended, translated, depicted या introduced। Depicted is the correct answer। तो 20 का सही आंसर है B, depicted यानी कि दर्शाना। अब बचे हमारे आज के पांच क्वेश्चन, तो आइए जानते हैं क्या है ये पांच क्वेश्चंस। लो जी बात आ रही है अब इन पांच क्वेश्चंस की। हमसे पूछे जा रहे हैं एंटोनिम। बच्चों अभी आपको पढ़ाने से पहले मैंने इस पूरे पैराग्राफ को देखा था, बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, आप भी पढ़िएगा। यहां से पांच क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहला है एंटोनिम का, क्या इंस्पायरिंग का एंटोनिम बताइए। तो इंस्पायरिंग होता है मजेदार और इसका ऑपोजिट हो जाएगा मोनोटोनस इज द करेक्ट आंसर डी। क्योंकि इंटरेस्टिंग तो इसका सननिम है, हमने एंटोनिम बताना है इज द करेक्ट आंसर। 22nd को देखिए। Select the most appropriate antonym of the given word। Distinctive, distinctive का हमें बताना है opposite word। आज antonym ज्यादा पूछ रहा है और synonym कम पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? Alike, alike is the correct answer। And, and बचे हुए तीन क्वेश्चंस को भी देखें कैसे हैं। अब देखिए पढ़ाया उसने हमें पैसेज, बट पैसेज के बारे में टाइटल थीम कुछ नहीं पूछा। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम सिनोनिम। यानी कि मैं बार बार बच्चों को ही कहता हूं, अगर आपने वोकैब पढ़ी हुई है आपको पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप झट से आंसर कर सकते हैं। ये देखिए चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल। लो जी लग गई नजर, टाइटल पूछ रहे थे अभी हम, सोच रहे थे टाइटल का क्वेश्चन नहीं आया और आ गया। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज एंड द करेक्ट आंसर इज ब्लू माउंटेन, नेचर वंडर। नो 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 नो, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है जी हाँ। ये पूरा पैसेज आप पढ़ेंगे, द ब्लू माउंटेन्स के बारे में इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, और अब आते हैं लास्ट के दो क्वेश्चंस पर। ये देखिए,
अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द वर्ड हेरिटेज. हेरिटेज को इनमें से कौन सी ऑप्शन, अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से पढ़ा है तो क्या बताएंगी? ह्यूमन सोशल बैकग्राउंड, नो बिल्कुल भी नहीं. समन्स बर्थ राइट, नो. डिसेंडेड फ्रॉम द जनरेशन इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर. ओल्ड बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में नहीं है. तो बच्चों इस पेपर का आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने. कम ऑन गाइज, कम ऑन, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक. इट्स गोइंग टू बी 25 नंबर. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एलिमेंट इज रिलीज फ्रॉम द यूकेलिप्टस ट्रीज, लाइमस्टोन, ऑयल, वेपर या सनलाइट, क्या निकल के आता है? जब आपने इसमें पढ़ा था तो यहां पर ये वर्ड बता रहा था, कहां पर? ऑयल मैंने देखा था यहां लिखा हुआ, यहां. तो ऑयल इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है. सो मेरे हिसाब से ये पेपर बहुत इजी था. जिन बच्चों ने दिया था, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां सिलेक्टेड हैं, और मुझे लगता है आप भी मेहनत करिए और अब 2024 के इस अटेम्प्ट के अंदर जस्ट क्रैक द जॉब, क्रैक द एग्जाम एंड ग्रैब द जॉब. तो चलिए कल मिलेंगे एट द सेम टाइम, शाम को इसी समय, इसी चैनल पर, गैलेक्सी क्लासेस पर मेरे साथ. तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट पेपर कल डिस्कस करते हैं. बाय बाय, टेक केयर एंड द टाइम टू से हैप्पी लर्निंग.